और आपको बताते चले कि साक्षी का एक छोटा भाई है और माँ बाप है घर परिवार में। अब तीन लोग बचे हुए हैं, साक्षी तो यहाँ इस दुनिया से चली गई। और सबसे शर्म की बात दोस्तों ये है कि जांच में ये बताया, पुलिस ने ये बता रही है कि सीसीटीवी कैमरे से जो रिकॉर्ड हुए हैं वो फुटेज में ये पता चल रहा है कि जहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। उन लोगों के बीच में एक लड़का आ करके, साहिल खान आ करके, एक नाबालिग लड़की जो 16 साल की थी उसकी सरेआम हत्या कर देता है और लोग तमाशा देखते रहते हैं। तो किस प्रकार की हमारी सोसाइटी है, किस प्रकार के लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बातें हैं दोस्तों। और इसमें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, एग्जांपल सेट होनी चाहिए। ये हम लोग भी एज ए पत्रकार हम डिमांड करेंगे। क्या कहना चाहिएगा विशेष रूप से, क्योंकि वैसे लोग जो वहाँ पर मौजूद है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, वहाँ लोग तमाशा देख रहे हैं। वहाँ पे मैंने जो फुटेज देखा, एक दो औरत थे, दिल दहलाने वाला है। नहीं, बहुत जो आदमी फुटेज देखता है उस फुटेज देख करके आदमी का दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देख रहे हैं और उसको बचाने के लिए कूद जाए, इस तरीके का अंदर से आदमी का मन हो रहा है। और जो व्यक्ति वहां पर देख रहा है वो उस आदमी का मन इस तरीके से नहीं किया। एक बात बोलता हूँ, शायद वो भी डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से वो मार रहा था, कुचल कुचल के मार रहा था, उसके हाथ में चाकू था, तो बंदा अकेला था ना भाई, अकेला था लेकिन एक लड़की को मारा जा रहा है। वहाँ पर मर्द लोग हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अरे दो लोग मिलता उसको पकड़ करके। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। देखो वो अचानक वो हो गया, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अब देखो आज हमारे साक्षी के साथ हुआ, कल तुम्हारी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आइंदा लोगों को ये ध्यान लगाना है कि अगर कुछ वारदात हो रहा है, ऐसा घटना घट रही है, तो ज़रूर आगे बढ़े, या हुआ तो अपने हाथों में कोई पत्थर या छोटा मोटा हथियार लेके उसको, जैसा हम रोड पे जाते हैं, रोड पे देखते हैं अगर कि कोई गिर गया तो उसे तुरंत उठा लेते हैं। अरे ये तो हमारा गली की बच्ची है, गली की बच्ची को अलग, कोई अगर देख के जो गुजर रहा है तो शर्म की बात है ये तो। चलिए, हैदराबाद से आप आए हुए हैं और यहाँ पर इंसाफ के लिए आप डटे हुए हैं, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक दो व्यक्ति मौजूद है, पड़ोसी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। साक्षी के बारे में ज़रा बताइए जी। ऐसा है कि साक्षी तो इसे पढ़ती लिखती थी, दसवीं छात्र थी, दसवीं का उसने पेपर दिया था और जो है दसवां पास भी हो गई थी। और ये ऐसा है कि अब ये यहाँ पे सब अपने अपने काम पे सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, और इन्हें ज़्यादा जानकारी किसी घर की नहीं ले पाते हैं और अपने अपने काम में सब बिजी रहते हैं। और ये इस समय जो है रात को जब वो आदमी जैसे जैसे काम पे आते गए वैसे लोगों को पता लगती गई। जब यहाँ आपको कब पता चल रहा है कि इस तरीके घटना हुआ? मुझे 10 बजे रात को पता चला, मैं 10 बजे रात को आया काम पर से। यहाँ से गए पड़ोसी लोग, पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं दिए, वो पुलिस वाला खुद आकर के इसके बाप को ले गया। इसकी माँ को कोई लड़की आके बताई, इसकी माँ पहले गई, बाद में इसका बाप गया। अब पड़ोसी जैसे जैसे काम पेपर से आते गए उसे पता लगता गया। अब पड़ोसी जब गए तो वहाँ पुलिस वाले जाने नहीं दिए, वो मार मार के भगाते थे पुलिस वाले। सरकार से क्या कहेंगे आप? अब हर हिंदुस्तानी बच्चा लेके बड़े तक सभी का यही क्या नाम है, साहिल खान को फांसी मौत की सजा दिया जाए, यही सबकी मांग है। दोस्तों हम अभी साक्षी के घर पे मौजूद है और फिर से एक बार आपको घर दिखा देते हैं किस कंडीशन में है। ये कंडीशन आप घर के देख सकते हैं, माली हालत इनकी क्या हो सकती है आप को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी विशेष रूप से ये लोग इंसाफ चाहते हैं कि उस लड़के को सख्त सख्त सज़ा मिले और कहीं ना कहीं उसको फांसी की सज़ा मिले। इस तरीके के बातें इन लोगों के परिवार वालों को और यहाँ के पड़ोसी जो लोग हैं उन सभी का यही डिमांड है। हरिद्वार